आपने कई महाप्रतापी राजाओं के बारे में सुना ही होगा, परंतु आज हम एक ऐसे वीर राजा की बात करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया तक अपने राज्य की सीमा पहुंचा दी थी। हम बात कर रहे हैं चोल डायनेस्टी के राजेंद्र चोल जी के बारे में। राजेंद्र चोल जी के पिता थे राजा राज चोल। राजेंद्र जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो अपनी दादी के साथ अपना ज्यादा वक्त गुजारते थे। उन्होंने चोल साम्राज्य के प्रभाव को उत्तर भारत में गंगा नदी और हिंद महासागर में पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया तक बढ़ाया, जिससे चोल साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। उनका दिमाग उनकी युद्धकला जितना तेज था। उस वीर ने देश के बड़े हिस्से पर अपना झंडा लहरा दिया था। वो सही मौके पर दुश्मन को ढेर करने में पारंगत थे। उन्होंने वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी को उन्हीं की भूमि से निकाल फेंका था, जहां पर गंगा डायनेस्टी ने 1000 साल से ज्यादा राज किया था। राजेंद्र चोल को 1014 में राजगद्दी प्राप्त हुई थी। वो शिवजी के भक्त भी थे। उन्होंने कई जगह शिवजी के मंदिर बनवाए थे जो बहुत ही खूबसूरत हैं। उन्होंने मानव निर्मित झील भी बनवाई थी जो 16 मील लंबी और 3 मील चौड़ी है। उन्होंने वर्तमान बंगाल और बिहार के राजा महिपाल को हराया और अपनी जीत के जश्न के लिए उन्होंने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र चोल जी ने गंगा पर विजय प्राप्त की और अपनी नई राजधानी बना ली, जिसे गंगेकोंड चोलपुरम कहा जाता है। उन्होंने तेलंगाना में भी अपने शौर्य का परिचय दिया और उसे भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। राजेंद्र जी ने हिंद महासागर में चोल सेना का नेतृत्व किया और श्री विजय पर हमला किया। उन्होंने मलेशिया और इंडोनेशिया में भी कई स्थानों पर आक्रमण बोल दिया था। राजेंद्र जी ने आधुनिक मलेशिया और दक्षिण थाईलैंड पर भी आक्रमण किया। जब उन्हें मलेशिया में कब्जा जमाया, तब उन्हें कादरम कोंदन के नाम से भी पुकारा जाने लगा। आज उनके नाम पर नेवी में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।